थोड़ा बाहर हूँ। उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार, तेज कुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणि देश का नम्र मन तुम सीता हो सदा। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छले भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी जाटभाई के पांच बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक ब्रदर ने करमसद के बाद नड़ियाद से अपनी हाईस्कूल की शिक्षा पूरी की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झलेबा से। 2 बच्चों बेटी मनी बहन और बेटे काया भाई को जन्म देने के बाद झलेबाएं असमय ही चल बसी। सभी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीचर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं गांव की भूल थी, हृदय में भारत भूमि की शस्यशाला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजदूर किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की तस्वीर खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार।
शताब्दी से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरकार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात मजहब तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे वो तो उन्हें, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6 हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड-खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती दी। सरकार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझा कर, मना कर 565 रियासतों को सरकार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास ने अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान ग्रंथ अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गूंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरकार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शक्ति को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित
प्रेरणा दी भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। Skin force or on the
इतने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 7.5 करोड़ जनता ने, और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरकार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। जो